नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। विश्व भर में प्रसिद्ध बांधव टाइगर रिजर्व में बीते एक वर्ष से हो रही बाघों की मौत को जिस सहजता के साथ पार्क प्रबंधन आपसी लड़ाई का नाम देता आया है, अब उसकी परतें खुलने लगी हैं। एक ओर जहां वन्य जीव प्रेमी बाघों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं सैकड़ों सालों से जंगल और वन्य जीवों के बीच जीवन व्यतीत करने वाले इंसानों को भी बाघ की मौत पर आश्चर्य हो रहा है। हाल में हुई बमेरा में बाघ की मौत पर प्रबंधन ने आपसी संघर्ष की मुहर लगा दी, जबकि कुछ ग्रामीण कुछ और ही कह रहे हैं। उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते एक वर्ष में हुई बाघों की मौतों ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। एक ओर जहां पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में बांधवगढ़ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हो रही लगातार बाघों की मौत ने वन्य प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। बाघ की हर मौत पर सधा सधाया बयान आपसी लड़ाई अप्रबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, तो वहीं गाँव से सटे जंगलों में होने वाली बाघ की मौत ग्रामीणों को भी रास नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल प्रजापति। कहाँ के हैं? बमेरा। अभी दीपावली के टाइम पर कोई बाघ के लड़ने वड़ने की आवाज़ें सुनाई? हमने नहीं सुना कुछ। अच्छा, तो बाघ कैसे मरा है जानकारी? नहीं, हम जानते नहीं है। अच्छा, तो ये अक्सर जैसे बाघ हर रोज आसपास गांव के रहता है, तो इससे डर का माहौल रहता है गाँव में? नहीं, ये तो सब दिन बाघ इसी तरह गांव में किनारे किनारे बोलते हैं, चले जाते हैं, बस डेली बोलते हैं। हाँ, डेली तो नहीं, पर जब आदमी सुने तो बात है, कहीं दूसरे कहीं तीसरे दिन, कहीं रोज भी जब रहे तो रोज भी बोल देता है। अभी दीपावली में लड़ने की कोई आवाज़? कोई हम बिल्कुल नहीं सुने आवाज, नहीं सुने। दसाई प्रजापति। कहाँ के हैं? बमेरा। अच्छा, ये होली दीपावली में, अभी दीपावली जो बीती एक सप्ताह पहले, तो क्या टाइगर की आवाज सुनने में आई है? दो टाइगर, तीन टाइगर की? नहीं, एक टाइगर का आई है। एक टाइगर का सुन। अच्छा जी, ये टाइगर मरा है तो इसको कब देखे हैं फॉरेस्ट वाले हैं? आप लोग कब देखे हो? मैं यही तो ना बता सके, अभी आ जाए पता पर हजूर की है, मतलब यमी में हो गया, मैं आ जाए जाना था केवल आज। तो ये दीपावली टाइम पर एक हाँ आवाज एक मिली है, जब सुने हैं तो एक आवाज रही। कभी लड़ने की बात सुनाई दी है? नहीं भाई, हम ये नहीं सुने कि लड़ा कौन मिला, लड़ते नहीं देखे उन्होंने की आवाज़ कौन मेरू करो, तो ये का एक कबूली हम सुने। अच्छा, हमेशा एक टाइगर की आवाज़ आती है? हाँ, हमेशा एक टाइगर। और जो एक टाइगर और दो बच्चे घूम रहे, कभी देखा उनको घूमते हुए? नहीं देखा, मैं आज तक तो दिखाई नहीं दे टाइगर, जब से मैं जाने लायक भाव हूँ 60 साल का होने लगा, आज तक मैं टाइगर नहीं देखा, न मेरे को सामने मिला, जंगल में निवास करता हूँ। आवाज खोज इतना देखा मैं, आवाज सुने। हाँ जी, कभी आप लोग के मवेशी अवेशी को खाया टाइगर? अभी तो बहुत साल की बात है, पहले खाई, लेकिन आज तक तो भाई मेरे मवेशी को घर से ले जाता है? घर से तो नहीं लेगा, माने जंगले में। हाँ। जंगले में कांड करता है, मतलब टाइगर की लड़ाई नहीं भाई? भाई हम लड़ाई तो नहीं सुन पाए, एक एक सुने ना, लड़ते रहे हो नहीं जाने, एक का आवाज हम सुने। चिन्नी भाई। कहाँ के आ? बमेरा के। होली दीपावली में बाघ बाघ की आवाज सुने हैं? हम तो नहीं सुने, वैसे मतलब घूमत रोज है, पर ये नहीं जानी कि कहाँ मरो कहाँ का भाई, एक तो हम घर से जाई नहीं बाहर, दाना पानी अपन समेटी थे। कहाँ थे घूमत है? हैं? कहाँ थे? अब हम कहाँ जानी कहाँ थे घूमत है? वो बता ना कि घूमत बारी कही? बारी कही हमरे कह के घूमे? अब जंगल में घूमत है, अब जंगल में हम थोड़ी रात में बैठ रहे थे। हम का खतरा रहा थे? अब गए अपन लकड़ी कंडा लान चले आयन, अब देखी तो वह सरक लैस हमू बचलान चले आयन, गोरुआ रकरन में रही थे दौड़त है, ते अपन हल्ला कर देन बिचिक ग भग ग। हाँ, ये मेरे का हो जात है। खतरा बन हो रहा था। हाँ, तब यह है कि डर तो लगा थी, पर कि आ ना जा कहूँ से, और तो डर नहीं आ कि वही हम मार सकी कि कुछ कर सकी। वो आवाज आवाज सुने रहे हैं? अभी हम आवाज आवाज नहीं सुने भाई, अब परेशान हैं, धान गेहूँ सो जाई थे, तब अब आवाज की कहा जानी की कहाँ है। लड़ाई झगड़ा की आवाज जैसे कि बग 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 लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं सुने भैया, नहीं सुने हम, थाके में सो जाई थे, फिर ऊंची थे थोड़ी बहुत की कहाँ का ही। हाथी के का नुकसान कर रहे थे? हाथी का कर रहे थे? खेत खा रहे हैं, पूर उजार रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, खतरा है माना इनका।
आप यहाँ मड़ैया गाड़ते हैं तो उसकी भी ढोंस देते हैं। हाथी कितना हाथी है, कहीं वो चार रहता है कहीं अकेले रहता है, वो बहुत खतरा करता है। क्या चाहते हो सरकार से? अब सरकार से क्या चाहते हैं, उसको सुरक्षा करे, हमारी भी करे। हमारे में फायदा है कि उनको जानवर में फायदा, जिन में हो तो उनको तो अपन करें। हाँ, कितनी फसल नष्ट हुई है? कितनी है, वहाँ जाके देखो ना खेत में कितने पैर बने, उसके कितना नुकसान भा, कितना रेंगे हैं, कितनी मड़ैया ढोंसे हैं, क्या क्या है वहाँ सब बना है ना खेत में। अब यहीं हम का बताएं, नेरे पास आ जाता है तो उसको फिर बिचकाते हैं भगाते हैं, तब बरिया खिसकता है। हैं कहूँ दौड़ जा मार डारे तो क्या करें, का आदमी जीत सकता है उससे? कोई बड़ा जानवर से तो कोई न जीतेगा, न बाघ से जीतेगा, न हाथी से जीतेगा। और यह सुमर डागर तो थोड़ी बहुत मनई हटा देगा, दांक देगा, खेत में पारेगा, उसको तो जुम्मे नहीं है कोई की कि दांक सक है। इसके लिए आपन रक्षा करे, मनई का चाहता हो तो न चाहता हो, जानवर को चाहता हो तो जानवर को पाल लो, हैं यही सोचते हैं। अब जंगल में तो दे दिया है यहाँ सबको, एक जन तो नहीं है, कितने आदमी हैं, सब कोई बसा है। मतलब बम्यारा का कहते हैं उठा देंगे है ना, बफर में है, सेंचुरी में है, तो उठा देंगे तो यहाँ कितने गांव तो लगे हैं सब। जाना चाहते हो? जाना का चाहते हैं, थोड़ी बहुत है तो जब इतना व्यवस्था शासन देगी, इतना हमको लागत तब ना जाएंगे हैं। आप कम से कम ये 20 लाख का हमारा ये 4 कोठरिया बनी गुजर कर रहे हैं, इतना का लागत देगा? जेती जमीन ही जितने में जीते हैं तो उतना लागत का दे सकेगा एक आदमी को सरकार? हैं देखो बूढ़ वाले वहाँ ओकरे हैं, बंधवाए हैं बांध सागर, तो कोई का तो फंस गया है तो अच्छा है ना, उसको सुख है तही तो अच्छा उड़सा दाई, आ जही दुख है तही तो आराम अब तलफत है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हो रही बाघों की हर मौत को आपसी संघर्ष बताने वाले प्रबंधन से जब मीडिया ने सवाल किया तो जिम्मेदार अधिकारियों ने अनभिज्ञता जताते हुए अपना बचाव किया और एक बार फिर बमेरा में हुई बाघ की मौत को आपसी संघर्ष का नाम दे दिया है। वित्तीय वर्ष में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स की मौत अभी तक हो चुकी है? अभी तक जो 3 टाइगर्स की मौत का प्रकरण अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में सामने आया है और इस पे बाकी प्रकरणों में भी अभी जांच चल रही है और कुछ में अपराधी ज्ञात हो गए हैं तो उनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बमेरा कांड में सर, जो बमेरा में बाघ टाइगर्स मरा है उसमें कुछ बातें आ रही हैं कि आपसी फाइट नहीं है, तो इस पर क्या है? नहीं, ये चूँकि बमेरा के टाइगर की डेथ में मैं खुद उसमें समक्ष में उपस्थित था और सारा ऑपरेशन और सारी जो जांच है की गई है उसको देखा और उससे स्पष्ट है कि जो टाइगर की डेथ हुई है उसमें क्योंकि जो कैनाइन के निशान हैं, टाइगर के जो आपस में लड़ने के निशान होते हैं, पंजों के निशान हैं, और टाइगर द्वारा दूसरे टाइगर को जहां काटा है उसके निशान मिले हैं और फिर जब उसको पोस्टमार्टम किया है तो उस दूसरे टाइगर के द्वारा जो मृत टाइगर है उसके स्कल को डैमेज किया गया है, उसकी हड्डियां टूटी हुई मिली हैं अंदर से, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो डेथ हुई है वो टेरिटोरियल फाइट के कारण हुई है। जिस बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, आज उसी के जंगलों में हर माह एक बाघ का शव देखने को मिल रहा है जो अपने आप में सुरक्षा अधिकारियों की मनमानी और लगातार वन्य प्राणियों का काल के गाल में समाने का एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बाघों के मौत से जुड़े हर पहलुओं पर जांच के लिए कमेटी ना हो, बसरते वही सदस्य सरकार से मिलने वाले एक फंड को लेकर मौत पर आपसी संघर्ष की छाप लगा देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों की सुरक्षा और देखरेख के लिए MGTA की समिति गठित की है जिनका एक सदस्य बांधवगढ़ में भी है, लेकिन दर्जनों बाघों के मरने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी है जो समझ से परे है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।